माधवेन्द्रपुरी वर शिष्य वर श्रीश्वर नित्यानंद श्री अद्वित विभु ईश्वरपुरी के धन्य करी लेन श्री जगद्गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण Yeah.
ससूरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिका जयैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रील प्रभुपाद को भक्त लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया। किसने प्रश्न किया बोले प्रभुपाद जी, हम जो इस संसार माया के संसार में हम पड़े हुए हैं, कैसा हमारी उद्धार, ये माया संसार से दुख कष्ट समस्या जितने सारे इधर उधर, ये माया संसार से हमारी उद्धार कैसे हो सकता है। सब यही तो चाहते हैं, संसार से हमारी उद्धार हो जाए, दुख कष्ट हमारी खत्म हो जाए, कैसे होगा। मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यम वक्षयामि माम सूचयते। और जो तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, छोड़ करके तुम मेरी शरण आने से मैं तुमको क्या करूंगा, सारे पाप से भी तुमको मुक्ति कर दूंगा। इसलिए माँ सोचो, कोई चिंता मत करो, नहीं करना है, कोई सोचेगा ना। अभी तक हम इसी देवता को उसी देवता को उसी का पूजा करते थे, अगर छोड़ देंगे हमारे कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी, तो गुरु डर जाते हैं ना। इसलिए कल सुन रहे थे कैसे कृष्णा इंद्र पूजा, अगर कोई इधर उधर हुआ तो रक्षा कौन करेगा, कृष्ण ही रक्षा करेगा। इसलिए कृष्ण कहते कोई चिंता मत करो, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण आने से ही ये संसार से तुम उद्धार हो सकते हो। कहते अमरा कृष्ण नित्य था, कोई कोई व्यक्ति जिसके घर पैसा की कमी है वो बोलते थे भैया हम तो ऋणी है, हम जिंदगी फिर वो क्या करता, पूरा पैसा दे करके वो व्यक्ति खरीदी कर लेता, जिसको कहते कृतदास, कृतदास खरीदी कर लिया कि खरीदी किया हुआ व्यक्ति का अपना कोई स्वतंत्रता नहीं रहता था, मतलब पूरा पैसा जिंदगी भर के लिए उसको पैसा दे दिया। अभी इसको घर में किया तभी तो हुआ है, हैं? इसलिए इस चीज का भी भूलने नहीं चाहिए, भगवान के हम इतना ही खरीदी किया हुआ, नहीं तो माया हमें पकड़ेगा, फिर हम क्या बोलेंगे माया की दास, पर कृष्ण दास नहीं। गुरु वैष्णव कथा को सुनो, उनका सेवा करो, प्रश्न करो और क्या करो, उनके चरण में शरणागत हो जाओ, वो करके भगवान की कथा सुनो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तत्व अनुपम पा, ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञान प्रयास मुदुपास नमन, कैसे क्या करो, गुरु वैष्णव से हरि कथा सुनो और इधर उधर ज्यादा भागना नहीं है, नहीं भाग करके बोले स्थान है स्थित, बोले कहाँ रहे, बोले जहाँ पर वैष्णव लोग हरी कथा बोलते हैं वहीं पर रहो, हरी कथा छोड़ करके यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे नहीं। जथाए वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन, वृंदावन कहाँ पर वैष्णव लोग रह रहे हैं वहीं पर ही वृंदावन धाम है जहाँ हरी कथा हो रही है। अगर नित्य हरी कथा रूप गंगा में नहा रहे तो वहीं पर वृंदावन, वहीं पर गिरिराज, वहीं पर राधा कुंड, वहीं पर श्याम कुंड, सब वहीं पर है। जैसे कथा सुन रहे तब अगर गए बात करने के लिए, दो चार महिला मिल गए, बात दुनियादारी की, बहू बेटी सास बहू की बात बात करना शुरू कर दी, और बैठे कहाँ पर वृंदावन धाम, बात हो गया वृंदावन, बात हो गया पूरी की पूरी। इसलिए कोई अपना पैसा अपना
धन अपना घर में रखो। लेकिन अगर हम घर में रह रहे हैं, ब्रज में तो रह रहे हैं, लेकिन दुनिया